सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आपने राहुल की जमानत करवाने में मदद की, यानी आप जानती हैं कि आपके पिताजी का कातिल कोई और है, या फिर किसी और वजह से आप राहुल को बचाना चाहती हैं? देखिए, मेरा मकसद किसी को बचाना नहीं है, आप सिर्फ मेरे डैडी के असली कातिल को ढूंढिए। वही तो शीला जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि राहुल अगर 4-5 दिन हवालात में रहता तो शायद ये सच उगल देता, लेकिन आपने तो देखिए, आप राहुल को कातिल साबित करने पे क्यों तुले हुए? क्योंकि वो आदमी एक शातिर है, वो आदमी सबसे पहले लोगों का विश्वास जीतता है। वो दिखने में भोला है, लेकिन वो ऐसा है वैसा वो दिखता नहीं है, वो आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। सो बेटर, यू बी केयरफुल। हेलो ऑफिसर, आपकी तारीफ। मैं शीला का पति। ओ, लेकिन उस वक्त आप? हाँ, मैं बेंगलोर में था। जिस वक्त मुझे उनकी मौत की खबर मिली, मैं पहली फ्लाइट लेकर यहां पहुंचा, लेकिन तब तक उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। ऑफिसर, कातिल के बारे में कोई सुराग मिला? नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। एनीवे मैं चलता हूं। शीला जी, जरूरत पड़ने पर मैं फिर आऊंगा। थैंक यू ऑफिसर। अंजलि प्लीज डार्लिंग, रो मत। पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये इंस्पेक्टर मोदी, ये तो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। मुझे उसकी परवाह नहीं, बस सिर्फ एक बार सिद्धार्थ का ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद वो इंस्पेक्टर मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहे। तो ऐसा मत कहो, मैं तो तुम दोनों के बिना एकदम अधूरी हूं। और सिद्धार्थ के ऑपरेशन के लिए अपने पास केवल 4 दिन बचे। अंजलि, मैंने तुमसे कहा ना कि सिद्धार्थ का ऑपरेशन ठीक वक्त पर होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। कैसे होगा? एक मिनट। हेलो। हेलो राहुल, धनंजय है। हाँ धनंजय, बोलो। देखो, शीला आज से ऑफिस जाना शुरू कर रही है, और तुम्हें उसके रूटीन प्लान के बारे में मैं सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है राहुल, मैं एक भी दिन और उसके साथ नहीं बिता सकता। मुझे जल्द से जल्द उससे तलाक चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे दोस्त, वक्त तो मेरे पास भी बहुत कम है, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, और बहुत जल्द जरूरत है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स, बाय। किसका फोन था? अंजलि, यूं समझ लो कि सिद्धार्थ के ऑपरेशन के लिए रुपयों का इंतजाम हो गया। शीला जी, मौसम कितना सुहाना है, मगर आपके चेहरे पर ये उदासी, ये परेशानी, पे परेशानी की लकीरों को देखकर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पल के लिए कायनात ठहर गया है। प्लीज सिर्फ एक बार मुस्कुरा दीजिए। That's better. ये आपके लिए। ओह, थैंक यू। तो बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। श्योर। हेलो। हेलो धनंजय, मैं अभी भी शीला के फार्म हाउस पर पहुंच गया हूँ। मालूम है, अब आगे क्या करना है मेरी बात ध्यान से सुनो। मगर मेरे रुपए। देखो, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, फिर भी जहां से तुम फोन कर रहे हो उसके नीचे के ड्रॉर को खोलो। रुपए मिले? मगर यहां पर तो चाकू है। गौर से देखो, वहां रुपए है नीचे।
1,00,000? राहुल भरोसा करो, बाकी के 4,00,000 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, मैं रखता हूँ, बाय। आराम से संभाल के बेटे, बैठो अंजलि। इंस्पेक्टर साहब, आप अपने पति से ही पूछे जी। क्यों, बीवी और बच्चे को लेके भागने की सोच रहे थे? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप चाहे मेरे साथ जो कोई भी सलूक कीजिए मुझे मंजूर है, बल्कि मैं खुद पुलिस स्टेशन आकर अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे जाने दीजिए, मुझे इस वक्त जाने दीजिए, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए। राहुल, आखिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब आप बताइए क्या हुआ। नहीं अंजलि, जब तक सिद्धार्थ का ऑपरेशन नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। इसी ऑपरेशन के लिए तुम्हें 5,00,000 रुपए चाहिए थे ना, सेठ कौशिक के यहाँ से चुराए थे या फिर शीला को मारकर हासिल किए थे? क्या? हाँ, सेठ कौशिक की बेटी शीला का भी कत्ल कर दिया इसने कल रात को। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। बस, पैसे कहाँ हैं? वो पैसे कहाँ हैं? आइए। घर की तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ हूं, कम से कम अंजलि को तो सिद्धार्थ के ऑपरेशन के लिए। ले चलो इसे। अंजलि, ये रुपए मैंने किसी को मारकर हासिल नहीं किए, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को मारकर हासिल नहीं किए ये रुपए। तो फिर तुम खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए क्यों तैयार हो? ये तुमने क्या किया राहुल, शीला को मार डाला। अंजलि, नो, कम से कम तुम तो मुझ पर यकीन करो, प्लीज ट्रस्ट मी अंजलि। सर, खून से लथपथ है, किसी का शर्ट मिला है। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का। अब भी तुम्हें कुछ कहना है? ये एक साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। ले चलो इसे। मैं किसी का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर बार बार शक कर रहे हैं और आपके शक करने की वजह से मेरी पत्नी भी मुझ पर शक करने लगी है। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है, इस बार ठोस सबूत है मेरे पास। शीला के खून से सनी हुई तुम्हारी शर्ट, जिस चाकू से तुमने शीला का कत्ल किया है उसके ऊपर तुम्हारी उंगलियों के निशान, और वो 5,00,000 रुपए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे फंसाया गया है, शीला के पति धनंजय ने मुझे फंसाया है। क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, धनंजय ने मुझे 5,00,000 रुपए दिए थे और मेरे साथ सौदा ये किया उसने कि मैं उसकी पत्नी शीला के साथ नाजायज ताल्लुकात बढ़ा, इसलिए उस रात में शीला के साथ उसके फार्म हाउस पर चला गया। बेवकूफ समझते हो, बेवकूफ समझते हो तुम मुझे? कहानी बहुत अच्छी बना लेते हो,
ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है इंस्पेक्टर साहब। धनंजय ये चाहता था कि वो अपनी पत्नी को मेरे साथ रंगे हाथों पकड़ ले ताकि वो उसे तलाक दे सके। फिर उसके बाद उस रात मैं शीला के साथ उसके फार्म हाउस पर गया और वहां पहुंचते ही मैंने फोन करके धनंजय को इन्फॉर्म किया। धनंजय ने मुझे ड्रॉ खोलने के लिए कहा क्योंकि उस ड्रॉ में रुपए थे। जब मैंने वो ड्रॉ खोला तो उन रुपयों पर वो चाकू था और मैंने वो चाकू अपने हाथ में ले लिया और मेरे उंगलियों के निशान उस चाकू पर आ गए। फिर मैंने शीला जी से कहा, राहुल कहाँ जा रहे हो? हाँ वो मेरी सिगरेट खत्म हो गई, मैं 10 मिनट में सिगरेट लेकर आता हूँ। लेकिन तुम तो सिगरेट पीते नहीं हो। हाँ मुझे क्या ना, वो तलब लग गई है, मैं 10 मिनट में सिगरेट लेकर आता हूँ। आई जस्ट सी यू। ओके जल्दी आना। हाँ राहुल कहाँ चले गए थे तुम धनंजय? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पैसे लाए? ये रहे बाकी के 4 लाख रुपए। अब तुम फौरन जाकर उसके साथ सो जाओ, मैं 5 मिनट के बाद आकर तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगा। समझ गए? कम ऑन जल्दी करो। ये पैसे मुझे कहीं ना कहीं छुपाने पड़ेंगे। से भागा, बाहर आकर देखा कि धनंजय गायब था। मैं फौरन ही घर वापस चला आया और चुपचाप आकर सो गया। मैंने अंजलि को कुछ नहीं बताया और उसके बाद आप आए और आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर साहब मुझे धनंजय ने फंसाया। इंस्पेक्टर साहब मुझे धनंजय ने फंसाया, उसी ने शीला का कत्ल किया। इंस्पेक्टर साहब धनंजय ने शीला का कत्ल किया। वो एक नंबर का कमीना, झूठा और मक्कार इंस्पेक्टर। मैं मानता हूं कि मैंने उसके साथ 5 लाख रुपए की डील की थी क्योंकि मैं शीला से तलाक लेना चाहता था। लेकिन उस रात मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो कमीना शीला का खून करके वहां से भाग चुका था। यानी कि आप जब अपनी पत्नी को राहुल के साथ रंगे हाथों पकड़ने के इरादे से वहां पहुंचे तो वो पहले ही मरी हुई थी? जी हाँ इंस्पेक्टर, वो पहले से ही मर चुकी थी। अच्छा 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 अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आपकी पत्नी का कत्ल करके राहुल को क्या हासिल हुआ? उसे तो 5 लाख की जरूरत थी और वो तो उसे पहले से ही मिल चुके थे। आपकी पत्नी का कत्ल करके राहुल ने फांसी का फंदा खुद के गले में। एनीवे मैं चलता हूं। हेलो धनंजय हियर। व्हाट? कहां मिल सकते हो? ठीक है मैं करेक्ट 8 बजे मिलूंगा। मैंने ही आपको यहाँ बुलाया था मिस्टर धनंजय। फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स लाए हो? हाँ हाँ, लेकिन इसकी कीमत लाए हो? धनंजय जो कहता है वो करता भी है। ये लो। ये लो। चाहता तो मैं आपको जिंदगी भर ब्लैकमेल कर सकता हूँ लेकिन नहीं, मैं एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर हूँ, लालची नहीं, थोड़े में ही संतोष कर लेता हूँ। बाय। जस्ट अ मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है प्रोफेशनल ब्लैकमेलर साहब? आपको भी इतनी जल्दी क्या है मिस्टर धनंजय? गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल। प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ बता दूं, सब कुछ बता दूं। मैं इंस्पेक्टर साहब, मैं सब कुछ बताता हूं। जब राहुल
सेठ कौशिक के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ और जमानत पर रिहा हुआ, तब मैंने इस उम्मीद पर उसका पीछा किया अगर उसने ये कत्ल किया है तो मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उसे ब्लैकमेल करूंगा, जो मेरा पेशा है। हालांकि मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन तब जब सेठ जी की लड़की को मैंने इसके साथ मिलते हुए देखा, तब इन दोनों के संबंध ने मेरे दिमाग में एक शक पैदा कर दिया। मैंने तस्वीरें खींची इन दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए, और पीछा करते करते मैं फिर वहीं पहुंच गया। और बाकी की बातें राहुल हमें बता चुका है। हाँ तो धनंजय, ये खुनी खेल खेलने का सिलसिला आपने कैसे शुरू किया? यह सिलसिला लिली के कत्ल से शुरू हुआ। दरअसल मैं शीला को नहीं बल्कि लिली को चाहता था, और शीला से तो मैंने सिर्फ उसकी दौलत के खातिर शादी की थी। लिली दिल्ली में रहती थी। अचानक वो एक दिन मुंबई आ पहुंची और उसने मुझे धमकी दी कि अगर एक हफ्ते के अंदर दिन मैंने उससे शादी नहीं की तो वो शीला और मेरे ससुर को हमारे नाजायज संबंधों के बारे में सब कुछ बता देगी। मैं घबरा गया था ऑफिसर। मैंने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो शीला मुझे तलाक दे देगी और उसके पिता के करोड़ों की जायदाद को हथियाने का सपना मेरा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। और इसीलिए उस रात मैंने होटल सदाबहार में राहुल के लिली के कमरे से निकलते ही लिली का कत्ल कर दिया। उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए बेंगलोर रवाना हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे यह खबर मिली कि शीला और मेरे ससुर को मेरे और लिली के नाजायज संबंधों के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और उन्होंने शीला से तलाक करवाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी। और उसी रात मैं बेंगलोर से फ्लाइट लेकर मुंबई के लिए रवाना हुआ, अपने ससुर के ऑफिस पहुंचा और नई वसीयत के कागजात पर जबरदस्ती उनके दस्तखत करवा लिए और उस जायदाद के मुताबिक शीला की मौत के बाद उसकी तमाम जायदाद का हकदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। बस फिर क्या था, रास्ते की अड़चन थे मेरे ससुर, मैंने उनका भी कत्ल कर दिया। मेरे मुंबई आने की भनक किसी को नहीं हुई। जैसे मैं बेंगलोर पहुंचा तो मुझे शीला का मैसेज मिला कि उसके पिता का कत्ल हो गया था। मैं दोबारा मुंबई आया। मैंने अपनी मीठी बातों के शिकंजे में राहुल को फंसा लिया। मुझे पूरा यकीन था कि लगातार तीन कत्ल के जुर्म में फंसने के बाद राहुल बच नहीं पाएगा और उस रात जब उसे मैंने फोन करके बुलवाया तभी मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। ओके जल्दी आना। या बाय।
धनंजय तुम ये अरे क्या कर नहीं मिस्टर धनंजय, राहुल को फंसाने में तो तुम कामयाब हो गए, लेकिन इस फोटोग्राफर की वजह से अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। राहुल के खिलाफ तमाम सबूत होने के बावजूद भी मैंने तुम्हारे ऊपर शक इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी पत्नी का कत्ल करने की राहुल के पास कोई वजह नहीं थी, और इसीलिए मैं इस सच्चाई तक आ पहुंचा। शीला का कत्ल करते वक्त तुम्हारे समझ में यह बात नहीं आई कि तुम्हारा यह खूनी खेल इस फोटोग्राफर की कैमरा में कैद हो चुका है, और तुम धनंजय को ब्लैकमेल करने के चक्कर में कानून की गिरफ्त में आ गए। हवलदार, राहुल को छोड़ दो। देखिए धनंजय, इंसान की तकदीर उसके कर्मों से बनती है, और जुर्म की बुनियाद पर खड़ी जिंदगी का हशर वही होता है जो अब तेरा होगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। राहुल, तुम्हारे बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम चैरिटेबल ट्रस्ट से मैं करवाऊंगा।